See, question number 4 is 2-digit number formed with digits 23579. क्या करना है? 23579 ये नंबर डिजिट्स है, इन डिजिट्स को लेके हमें क्या करना है? 2-digit number form करने हैं, right? 2-digit number formed with digits 23579, right? Number of S is equal, S is equal to 23, 25, 27, 29, 32, 35, 37, 39, 52, 53, 57, 59, 72, 73, 75, 79, 92, 93, 95, 97. इसमें क्या होता है ना कि नंबर को रिपीट नहीं कर सकते. एक्सरसाइज में देखा ना तुम लोगों ने इसके पहले वाले नंबर्स को रिपीट, मतलब जैसे 55, 33, 22, 77, 99, ये तुम लोग नहीं लिख सकते, राइट? बाकी जो भी नंबर्स बनते हो लिखे. तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स होते हैं? 20 नंबर्स होते हैं. कितने होते हैं? 20 नंबर्स होते हैं. अब देखो इवेंट ए क्या है. लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. जो भी नंबर्स है, नंबर्स क्या होने चाहिए? ऑड नंबर चाहिए. चलो ऑड नंबर निकालते हैं. 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97. ये सब क्या है? ऑड नंबर है. इसमें से सैंपल स्पेस में से क्या है? ये सब ऑड नंबर निकाले. तो ये टोटल नंबर कितने? 16. कितने नंबर निकले इसमें? 16. सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. Probability of A is equal to number of A upon number of S. That is 16 upon 20. 16 upon 20. 4, 4 is a 16. 4, 5 is a 20. 4, 4 is a 4, 5 is a 20. Then what is probability? 4 upon 5. 4 upon 5. Let B be the event of getting multiple of 5. इसमें जो नंबर्स है वो नंबर्स के ना मल्टीपल ऑफ 5, मतलब क्या उस नंबर को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 के टेबल से नंबर. सो दैट इज 25, 35, 75 एंड 95 ओनली. 25, 35, 75, 95. कितने नंबर्स मिले तुम लोगों को? 4 नंबर्स मिले. सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4. देन probability of B is equal to number of B upon number of S, that is 4 upon 25. 4 upon 20. 4 1s are 4, 4 5s are 20. And final answer is 1 upon 5. Final answer is 1 upon 5. Okay. Okay. So, fifth sum is there are 52. Card is drawn at random from pack of well shuffled 52 cards. Playing cards सबको पता है, okay? RummyCircle.com सबको होता है. प्लेइंग कार्ड्स कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स थे. कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं. डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड. सबको पता है, ओके? ईच टाइप में 4 कार्ड्स 13 कार्ड्स होते हैं. स्पेड के 13 होते हैं, डायमंड के 13 होते हैं, हार्ट के 13 होते हैं और क्लब के 13 होते हैं. अब 13 में नंबर 1 कभी नहीं होता. कार्ड के ऊपर नंबर 1 कभी नहीं होता, वहाँ पे ए होता है. क्या होता है? ए. दैट इज एस कार्ड. ए सी ई एस कार्ड, उसको क्या बोलते हैं? एस कार्ड. उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. उसके बाद जे क्यू के. जे इज जोकर, ओके? उसके बाद क्यू इज क्वीन एंड के इज किंग. ऐसे कार्ड्स होते. तो जे क्यू और के, ये जो है इसको फेस कार्ड कहते हैं. एफ ए सी फेस कार्ड, फेसबुक वाला फेस कार्ड. और ए को एस कार्ड कहते. तो ऐसे हर एक टाइप में एक एस कार्ड होता है. तो ऐसे टोटल कितने कार्ड हो गए? 4. और फेस कार्ड हर एक में 3 होते हैं. तो ऐसे कितने हो गए? 12 फेस कार्ड हो गए, राइट? याद रखना. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ वेल शफर्ड 52 कार्ड्स. शफर्ड मतलब पीसे हुए पत्ते. देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स. सो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू ऑब्वियसली 50 नहीं आएगा, 52 आएगा. समझ में ना, क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं. तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 52. उसके बाद लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस. एस मतलब कार्ड के ऊपर एस आना चाहिए, मतलब वो एस कार्ड होना चाहिए. टोटल एस कितने होते हैं? 4 होते हैं, मैंने पहले ही बताया.
टोटल एस कितने होते हैं? 4 होते हैं. सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? 4. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 4 अपॉन 52. 4 1 जा 4 13 जा 52. 4 1 जा 4 13 जा 52. सो प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 13. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? 1 अपॉन 13. सेकेंड, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड. क्या लीजिए उसके ऊपर? स्पेड मतलब जो कार्ड है वो स्पेड कार्ड होना चाहिए. देर आर 13 स्पेड्स इन पैक. कितने होते हैं? 13 स्पेड कार्ड होते हैं. सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट? 13. नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 13. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बे इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 13 अपॉन 52. 13 1 जा 13, 13 4 जा 52. क्लियर? ओके. और यहाँ पे तुम्हारा 5.4 खत्म हुआ. ओके. सारे एक्सरसाइज हमारे चैप्टर नंबर 5 प्रायोरिटी के सारे एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गए. नेक्स्ट हमारा होगा प्रॉब्लम सेट. ओके, राइट डाउन.